हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम AWS पे टेराफॉर्म के थ्रू लिनक्स इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम AWS पे टेराफॉर्म के थ्रू विंडोज इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ, और उसको कैसे देख सकते हो आप कि आपकी इंस्टेंस क्रिएट हुई है, रन है, रनिंग में है, क्या IP मिला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मैंने एक लिनक्स मशीन बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, इस मशीन पे चलता हूँ, मैंने इसको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार कमांड रन कर लेता हूँ टेराफॉर्म। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि कमांड रन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि टेराफॉर्म इसको मिल नहीं रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टेराफॉर्म पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना है उसको कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो डाउनलोड करने के लिए हम इंटरनेट पे चलते हैं, एक बार URL चेक करते हैं इसका, टेराफॉर्म का, terraform.io। ये फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टेराफॉर्म के लिंक पे ले जाएगा। उसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपको किस OS प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, विंडोज़ के चाहिए, लिनक्स का चाहिए, ओपन BSD का चाहिए। तो हमें क्या करना है, लिनक्स का चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिनक्स पे जाता हूँ और 64 बिट पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, और वर्चुअल मशीन पे चलते हैं अपनी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, wget कमांड किस लिए यूज होती है, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो आपको wget कमांड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार रूट यूजर में चला जाता हूँ, sudo su, ये रूट यूजर पे आ गया हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ wget एंड लिंक जो हमने कॉपी किया था, मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा मेरा लिंक ऑटोमेटिक, एंटर करता हूँ तो मेरा टेराफॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब मैं ls करता हूँ तो देखोगे आप टेराफॉर्म की एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इस जिप फाइल को अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए क्या है, अनजिप टेराफॉर्म जो हमारी फाइल है उसका टेराफॉर्म लिखूंगा मैं सिर्फ, और टैब दबा दूंगा, पूरा नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर करता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये अनजिप कर दिया है इसको। अगर आपका अनजिप इंस्टॉल नहीं है सॉफ्टवेयर तो आप दोबारा अनजिप इंस्टॉल करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है कि नहीं हो गई, अनजिप हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए आप यहाँ पे ग्रीन कलर की आपको एक फाइल दिख रही है, टेराफॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं टेराफॉर्म कमांड रन करता हूँ तो अभी चलेगा ये नहीं चलेगा अभी भी, क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसका प्रोफाइल पाथ सेट करना होगा। प्रोफाइल पाथ सेट करने के लिए क्या कमांड है, मैंने अपने नोटपैड पे नोट किया है, मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, ये फाइल कमांड होती है इसकी, इको डॉलर डबल कोलन एक्सपोर्ट पाथ पाथ और बेस प्रोफाइल में। ठीक है, यहाँ पे PWD का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपने ब्राउज AC2 इंस्टेंस में आता हूँ, लिनक्स मशीन के अंदर राइट क्लिक करता हूँ, कमांड रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे कमांड रन हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सोर्स बेस्ड प्रोफाइल और पाथ सेट करना है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी कमांड रन करते हैं, मैं ये कमांड और रन करता हूँ। इसके बाद अगर आप टेराफॉर्म रन करते हो तो ये आपका चल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी कमांड्स ये जो होती है टेराफॉर्म में, तो इसका मतलब है कि टेराफॉर्म आपका चल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, mkdir, किस नाम से बनानी है, विंडो टेरा, TRRA कर देते हैं, विंडो टेरा के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, cd और विंडो टेरा के अंदर चला जाता हूँ जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है, एंटर करता हूँ। तो वो अभी देखोगे आप, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, और हमें वर्किंग किस में, PWD करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की आपकी, होम AC2 यूजर और विंडो टेरा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है जिसके अंदर आपकी एक स्क्रिप्ट होगी, जो स्क्रिप्ट आपकी AC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, फाइल कैसे बनानी है, फाइल का फॉर्मेट आपका होना चाहिए .tf5 में। .tf फाइल का फॉर्मेट जो है अपना टेराफॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट आप नोट कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, प्रोवाइडर AWS एक्सेस की, आपको एक्सेस की चाहिए होगी इसको अपने
AWS अकाउंट को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए और उसकी सीक्रेट की चाहिए होगी कि किस यूजर से आपको AWS का अकाउंट एक्सेस करवाना है, ऑथेंटिकेट करवाना है। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन के अंदर बनानी है आपको आपकी इंस्टेंस जो भी बना रहे हो आप। उसके बाद आपको रिसोर्स आपको क्या रखना है, AWS इंस्टेंस है उसका नाम क्या रखना है आपको, टेस्ट विंडो, AMI ID क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, और हमें अभी लेनी है ठीक है। इंस्टेंस टाइप क्या लेना है आपको, T2 माइक्रो लेना है या कोई और साइज लेना है आपको, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो ठीक है। तो हम सीक्रेट की और एक्सेस की कैसे मिलेगा उसके लिए हम एक बार अपने AWS पोर्टल पर चलते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना इंटरनेट आइडेंटिटी मैनेजमेंट यूजर्स IAM के अंदर जाता हूँ, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना होगा आपको ना, एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ यूजर्स के अंदर, मैं एक यहाँ पे देखिए कोई यूजर नहीं है, मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, नाम देता हूँ मैं उसका, मैं नाम रखता हूँ उसका टेराफॉर्म डेमो ठीक है। क्या यूजर बनाना आपको, एक्सेस किस टाइप के देने हैं आपको उसको, यहाँ पे एक्सेस टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइज हमें एक्सेस देना है यहाँ पे यूजर को प्रोग्रामेटिक एक्सेस। प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इनेबल एन एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की फॉर AWS API CLI SDK, मतलब ऑटोमेशन के लिए जहाँ पे भी यूज होते हैं, तो आपको API कहीं बाहर से हेड करवाने हैं, किसी के थ्रू करवाने हैं, तो ये एक्सेस देने होते हैं। अगर आपको AWS कंसोल पे एक्सेस देना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, आपका AWS कंसोल एक्सेस मिल जाएगा उसको ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको परमिशन डिफाइन करनी है कि आपको इस यूजर से रोल क्या देना है, कि काम क्या करवाना है आपके इस यूजर से। तो आप ऐड यूजर टू ग्रुप पे कर सकते हो, अगर आपने ग्रुप बेस कोई परमिशन बना रखी है तो आप उसको कर सकते हो। कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर, अगर आपने कोई पहले यूजर बना रखा है और उसकी परमिशन आपको उसको असाइन करनी है तो आप वो कर सकते हो, या फिर अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से आप अपनी पॉलिसी अटैच कर सकते हो ठीक है। कौन सी पॉलिसी अटैच करनी है आपको, यहाँ पे आपको बहुत सारी दी होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कर क्या रहे हो ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार सर्च करता हूँ EC2 ठीक है। EC2 पे क्या करना है हमें, EC2 पे फुल एक्सेस देना है मुझे, क्योंकि क्या करना है मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करवानी है ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, EC2 वहाँ पे क्लिक करेंगे और फुल एक्सेस देंगे उसको। नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू और यूजर क्रिएट कर देते हैं ठीक है। यहाँ पे मेरा यूजर क्रिएट हो गया, तो मुझे यहाँ पे देख रहे हो आप यूजर डिटेल्स में, यहाँ पे मुझे यूजर की एक्सेस की मिल गई है, मुझे ये एक्सेस की अपने स्क्रिप्ट के अंदर डालनी होगी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सीक्रेट की चाहिए, सीक्रेट की हाइड होती है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ से कॉपी कर लो इसको। और दूसरी चीज़, आपको जब भी यहाँ से सीक्रेट की कॉपी करते हो तो ये आपको एक ही बार दिखाई देगी, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो दोबारा आप इसकी सीक्रेट की नहीं देख पाओगे, या फिर आप डाउनलोड करके रख लो तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ, अगर आप दोबारा टेराफॉर्म यूजर पर जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको परमिशन वो नहीं मिलेगा, आपका सीक्रेट की और एक्सेस की नहीं मिलेगा, एक्सेस की दिखा देगा बट सीक्रेट की नहीं दिखाएगा आपको ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, उसकी परमिशन डिनाई कर सकते हो, वो सब कर सकते हो ठीक है। दूसरा मुझे क्या करना है, सीक्रेट की में जाके उसकी सीक्रेट की डाल देनी है ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा रिसोर्स जो अपनी मैं स्क्रिप्ट रन करूँगा टेराफॉर्म के अंदर, वो मुझे AWS के साथ ऑथेंटिकेट करवा देगा। रीजन मेरा US ईस्ट में रहेगा जो भी मैं बनाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या रखना है, रिसोर्स W AWS इंस्टेंस, मुझे AWS इंस्टेंस बनाना है। नाम क्या रखना मुझे उसका, विंडो दे देता हूँ यहाँ पे। अब आता है AMI क्या होता है, Amazon मशीन इमेज। तो इस ये कहाँ से मिलता है आपको, कैसे पता चलता है आपको, तो जब भी आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो, इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम आपको जब आप इमेज सेलेक्ट साइज सेलेक्ट करते हो, इमेज सेलेक्ट करते हो जिस जो भी आपको इंस्टॉल करनी है ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं फ्री टियर पे करता हूँ या कोई भी रहने दो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको AMI ID दिखाता है ये, तो ये हर एक OS इमेज के साथ मिलेगा जो भी अमेजोन ने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री टियर करता हूँ, फ्री टियर करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ विंडोज सर्वर 2019 बेस, इसकी AMI ID लेता हूँ और ये मैं अपनी नोटपैड में डाल देता हूँ AMI ID ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये फाइल पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब चलते हैं अपनी लिनक्स मशीन के ऊपर जहाँ पे हमने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और अब हमें
डायरेक्टरी के अंदर है, विंडो टेरा डायरेक्टरी के अंदर है। अब हमें क्या बनाना है, एक फाइल बनानी है, वी आई एम टेस्ट डॉट टी एफ फाइल बना रहा हूँ मैं, टेस्ट डॉट टी एफ मतलब टेराफॉर्म की फाइल बना रहा हूँ, टेस्ट नाम रख रहा हूँ फाइल का, और एंटर करता हूँ। तो वी आई एम यहाँ पे क्या होता है, फाइल क्रिएट करने के लिए होता है और एडिट करने के लिए होता है। तो मैं वी आई एम डॉट टेस्ट, वी आई एम स्पेस टेस्ट डॉट टी एफ फाइल का नाम रखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो मुझे वो एक अलग विंडो ओपन करके दे देगा जिसके अंदर मुझे अपना वो स्क्रिप्ट का पाथ पूरा कॉपी करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ तो मुझे ये इंसर्ट मोड में ले जाएगा, और मैं अपना राइट क्लिक करता हूँ तो मैंने जो कॉपी किया हुआ है मैंने, वो मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव करना है इस फाइल को। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ फाइल को। सेव करने के बाद आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि मेरा डाटा इस फाइल के अंदर आया कि नहीं आया। कैट करता हूँ मैं टेस्ट डॉट टी एफ, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे डाला था सारा डाटा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हम करते हैं टेराफॉर्म INIT। INIT का मतलब क्या होता है, इनिट का मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजिंग, टेराफॉर्म इनिशियलाइज करना है हमें। एंटर करता हूँ मैं, सॉरी शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, TARRA टेराफॉर्म INIT। देखिए यहाँ पे ये इनिशियलाइज सक्सेसफुली, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हुई थी, स्पेल मिस्टेक हुई है शायद, इस करके इसने एरर दे दिया था, तो अब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है, मैं एक बार AWS पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो अभी इंस्टेंस हैं वो कितने इंस्टेंस चल रहे हैं। इंस्टेंस पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक डेमो के नाम से भी इंस्टेंस बना हुआ है सिर्फ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेराफॉर्म अप्लाई होता है आपका, जो आपने टीएफ फाइल बनाई है उसको अप्लाई करने के लिए, मतलब डिप्लॉय कर देगा उसमें। तो यहाँ पे ये वैल्यू पूछता है आपको, ओनली येस विल बी एक्सेस टू अप्रूव। अगर आप यहाँ पे येस लिखते हो तो ये आपको अप्रूव कर देगा और आपकी इंस्टेंस क्रिएट कर देगा वहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे वाई लिखते हो या कोई भी अक्षर लिखते हो या वाई कैप्स में लिखते हो, तो ये आपका यहीं पे डिक्लाइन कर देगा, कैंसिल कर देगा रिक्वेस्ट को। तो येस स्मॉल लेटर में लिखना आपको। ठीक है, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको AWS इंस्टेंस विंडो क्रिएटिंग, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है आपका। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, AWS इंस्टेंस विंडो स्टिल क्रिएटिंग, 10 सेकेंड एलेप्स्ड, 20 सेकेंड एंड इट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्स वन, कि हमने वन रिसोर्स को ऐड किया है, एडिड, जीरो चेंज, जीरो डिस्ट्रॉय, अभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसके बाद अगर हम अपने AWS पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पे देखेंगे आप एक विंडोज़ के नाम से विंडोज़ की इंस्टेंस बन गई है आपकी, T2 माइक्रो है, US East 2C में जो बनी है, टाइम जोन वही है US East, बट वो जोन उसने सी लिया है, 2C लिया है, रनिंग में अभी इनिशियलाइज हो रही है अभी, क्योंकि अभी ये बनी है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप नॉर्मली नीचे जाओगे आप, यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी इस सीन की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक क्या के लिए है, इसने रनिंग में है, T2 माइक्रो है, ये पब्लिक IP है इसका, US East EC2 में जोन में बनी हुई है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क कितनी है आपकी। तो देखिए यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो गई है, रेडी हो गई है, यहाँ पे आपका रनिंग है, टू टू चेक पास है आपकी सारी चीज़ें, यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हो VM की अपनी की। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हम टेराफॉर्म के थ्रू कैसे आपको बनाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे बनाते हो, पाथ कैसे सेट करते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस VM को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करना है आपको इसको, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड होती है आपकी, जो आपने अभी अप्लाई किया था, जो आपने स्क्रिप्ट अभी अप्लाई की थी उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आपसे येस करने के लिए बोलेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो,
वैल्यू यस, सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी, आपको एंटर करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका AWS इंस्टेंस विंडो डिस्ट्रॉइंग। अब आप अपने EC2 उस पर लिनक्स कंसोल AWS कंसोल पे चलते हो, यहाँ पे अभी देखो आपको स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा। अगर आप एक बार रिफ्रेश करते हो यहाँ पे तो आपको ये डिलीशन में दिखा देगा, टर्मिनेशन में दिखा देगा, शटिंग डाउन, आपकी मशीन बंद हो रही है। जैसे ही बंद हो जाएगी यहाँ पे आपका टर्मिनेट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी मशीन टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये अभी भी टर्मिनेट ही दिखा रहा है, बट वहाँ पे देखिए टर्मिनेट हो गया यहाँ पे आपकी कमांड ये। और आप कंसोल पे चलते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी कमांड डिस्ट्रॉय हो गई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी VM डिस्ट्रॉय हो गई, कमांड कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली, डिस्ट्रॉय कंप्लीट रिसोर्स वन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी विंडोज वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो AWS के अंदर टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लेक्चर्स आपको मिलते रहे।